सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने जाऊंगा आप इस प्रकार की फ़ोटो एडिटिंग वो भी अपने मोबाइल से सिर्फ कैसे कर सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने जाने वाला हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो भाई के लिए सिर्फ एक लाइक कर देना, भाई हो इतनी मेहनत करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। सो गाइस, ऐसा फोटो एडिट करने के लिए आपको सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम पिक्सल लैब है। तो मैं उस एप्लीकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सो पहले गाइस, यहां पर आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने फेसबुक प्रोफाइल का जो भी हो, तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है तो मैं उसको इसमें ऐड कर लूँगा फ्रेंड्स। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। देन गाइज, यहाँ पर आपको ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये थर्ड नंबर पे जो गोल आकार का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर 3D रूट का आपको एक ऑप्शन दिखेगा गाइज, ये देख सकते हैं, इसे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। देन गाइज, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो प्रकार के ऑप्शन दिखते हैं, एक्स एक्सिस का और सेकंड है वाई एक्सिस का। तो गाइज, यहाँ पर मैं इसे मेंटेन कर लूँगा अपनी तरफ से, आपके फ़ोटो के अपने हिसाब से अपना मेंटेन कर लेना। तो मैं दोनों को प्लस में ही रखूँगा फ्रेंड्स। तो मैं कर लेता हूँ मेंटेन ज़रा। देन गाइज, यहाँ पर अपने को आप कुछ नहीं करना, सिंपली आप कर देना है सिंपली आपको डन अप फ्रेंड्स। तो यहाँ से अब मैं डन कर लेता हूँ। देन फ्रेंड्स, मेंटेन करने के बाद आपको यहां पर आ जाना है। तो सिंपली आप आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो यहां पर आपको 3D शेप का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको इसे क्लिक करना है अब और इसको हम कर देंगे एनबल। एनबल करने के बाद यहां पर डेप्थ का ऑप्शन दिखेगा आपको गाइस। तो यहां पर थोड़ा 10 है तो मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा लूँगा फ्रेंड्स। तो मैं करीब 13 के करीब यहाँ पर रख लेता हूँ और मैं इसे कर दूँगा अब डन। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फेसबुक प्रोफाइल था वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कर देना है यहाँ पे आप सेव, और हमें आप ज़रूरत पड़ेगी आपको पिक्स आर्ट की। तो हम अब चलेंगे अपने पिक्स आर्ट की और अपना फ़ोटो एडिट करेंगे गाइस। तो पिक्स आर्ट ओपन कर लेता हूँ मैं फ्रेंड्स अपना। सो गाइस, देख सकते हैं मैं पिक्स आर्ट में आ चुका हूँ ये बैकग्राउंड के साथ। और अगर गाइज आपके पास ये बैकग्राउंड नहीं है तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैकग्राउंड का भी लिंक दे रखा है, डाउनलोड कर सकते हो। तो आप पिक्स आर्ट में आने के बाद फ्रेंड्स, मैं एक PNG ऐड कर लूँगा। तो मैं ऐड कर लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से। देन गाइज, यहाँ पर PNG ऐड करने के बाद जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है फालतू का, मैं उसे क्रॉप कर लूँगा यहाँ से। देन अपने को यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करके ब्लेंड वाला ऑप्शन आएगा, उसे सिलेक्ट करके स्क्रीन कर देंगे PNG को। तो मैं कर लेता हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं। देन फ्रेंड्स, इसे करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से आप कर देना है प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक, जो कि इरेजर के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोबारा आपको ऐड फोटो सेलेक्ट करके वाला PNG ले लेना है जो हमने फेसबुक प्रोफाइल का 3D में कन्वर्ट किया था। देन इसे हम सेटअप कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और सेटअप करने के बाद इसे हम कर लेंगे डन। देन अपने को यहाँ से अगेन ऐड फोटो में जाके अपना इमेज ले लेना है। तो मैं ले लेता हूँ फ्रेंड्स, और मैं बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड उसका इरेज कर रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज नहीं करने आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके सीख सकते हैं। तो आपको इसे लेने के बाद इस प्रकार से आपको सेटअप कर लेना है, जैसा कि मैं कर लेता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से। देन गाइज, यहाँ तक हमारा क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन पर आ जाना है और हमें अब शैडो क्रिएट करना है, नहीं तो विदाउट शैडो ये फ़ोटो अच्छी नहीं लगी फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से ऐड फोटो कर लूँगा फ्रेंड्स यहाँ से, और मैं अपना PNG ले लूँगा अपने पिक का, जो है मेरा पिक, मैं इसे ले लूँगा इस PNG को, और यहाँ से मैं उसी के ऊपर इसे चिपका दूँगा फ्रेंड्स।
देन गाइज ये करने के बाद आपको इस कोने वाले ऑप्शन पर आ जाना है और ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे फर्स्ट नंबर पे और ये सबसे नीचे वाला टूल्स को क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं कर लेता हूँ। करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स ये शेडो आ चुका है नीचे। नीचे आने के बाद इसे कर देंगे सिंपली आपको डन। डन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली आपको इरेजर सिलेक्ट कर लेना है अपना और इरेजर सिलेक्ट करके साइज छोटा बड़ा जैसा भी हो आप कर सकते हैं। साइज छोटा बड़ा करने के बाद कर लेंगे डन और ये फालतू जो पार्ट है इसे हम कर लेंगे इरेज। देन फ्रेंड्स यहाँ से आपको सिंपली आप कर लेना है क्वालिटी को कम। तो यहाँ से कोने वाले क्लिक करेंगे और यहाँ से क्वालिटी जो है इसे 50 के करीब कम कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो पूरी तरह से बन चुका है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई के लिए सिर्फ 1 लाइक कर देना भाई, ज़्यादा कुछ नहीं फ्रेंड्स। और कमेंट करके जरूर बताइए भाई के लिए कि ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, चलते हैं आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय दोस्तों।